पीछे आ जाओ भैया, पीछे आओ, इंतजार हंड्रेड परसेंट बनेगी। अब चूंकि हमको आप ऐसे ड्रेस में बुलवा रहे हैं, मैं थोड़ा सा असहज हूँ, लेकिन भाई थोड़ी देर के लिए आप लोग माफ करना, क्योंकि हम दोनों बीजेपी के सांसद भी हैं, इसलिए आपका सवाल है। और हमारे वरिष्ठ नेता, हाँ तीनों वही बता रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी और सुनील सोनी जी, ये हमारे हम सब के बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, और हमारे ओनर आनंद जी बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। छत्तीसगढ़ की जनता इस 5 साल में वो मिस कर रही है पहले के शासन, और निश्चित रूप से उसका हमारी बीजेपी की यहाँ पुनर्वापसी होगी। और ये कारण भी है कि हम लोग जहाँ मौका मिलता है, रायपुर को, बिलासपुर को और भी अलग जगहों को हम चुनते रहते हैं। वो खाली जाने वाले हैं, उन्होंने पहले भी छत्तीसगढ़ में आजमाया था, और पंजाब में जो एक फुल स्टेट उनके शासन में आया, तो अरविंद केजरीवाल जो इस समय पंजाब मॉडल है उनका, वो दोबारा इस देश के कहीं भी किसी जगह खड़े नहीं हो सकते। इसका एग्जाम्पल ये है कि पंजाब से सटा हुआ हिमाचल, जहां हमें भी लगता था कि इस बार आम आदमी पार्टी वहां करिश्मा कर सकती है, मगर वहां से उनका बिल्कुल लुटिया डुबो जाना, मतलब जिसको जमानत क्या, वो तो उनकी उसके अध्यक्ष ही बीजेपी में चले गए। क्योंकि आज पहली बार पंजाब में अधिकारियों को, कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ रहे हैं, पहली बार वहाँ देश को बांटने वाले नारे सरेआम लग रहे हैं। भाई सब राजनीति कहीं भी हो, लेकिन हमारा देश किसी भी पार्टी का कोई समर्थन करता हो, देश को बांटने वाली विचारधारा जो आम आदमी पार्टी की है, उसका कोई स्वीकार नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ तो अब उनको बिठाएगा भी। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं आरोप लगा रही, क्या कहना है? तो हम लोग भाजपा का जानते हैं, बाकी क्या। ये रामचरितमानस को लेकर लगातार बयान आते हैं, राजनीति हो रही है, आपने भी टिप्पणी की थी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे विवाद? बहुत बढ़िया भैया ने बताया था, मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा था कि अगर ब्राह्मण कुल में परशुराम पैदा होते हैं तो रावण भी पैदा होता है, अगर यदुकुल में कृष्ण पैदा होते हैं तो कंस भी पैदा होता है। तो हर युग में राम भी है, रावण भी है, कृष्ण भी है, कंस भी है। जो धर्म का विरोध करते हैं, जो भगवान राम का विरोध करते हैं, जो रामचरितमानस का विरोध करते हैं, उनका अंत करने के लिए भगवान ने खुद ही कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरा पे धर्म की हानि होगी, उसका अधर्म का नाश करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये जनमानस के दिल से राम और कृष्ण निकलेंगे और उन अधर्मियों का नाश करेंगे। भोजपुरी दबंग का आज मैच होना है पंजाब के। सभी लोग, सभी कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, तैयारी जोर शोर से चल रही है, मगर इस बीच कांग्रेस की अंतरकला भी सामने आ रही है, पोस्टर वार भी चला हुआ, क्या कहना है आप? देखिए, हम लोग को तो सीसीएल दिख रहा है इस समय, हम लोग सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और उसका हम लोगों ने अपना होम ग्राउंड रायपुर को बनाया है, मतलब वी आर द टीम फ्रॉम यूपी, बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। हमारी जो टीम है वो 4 स्टेट को रखती है, और उसका हमने होम ग्राउंड रखा है यहाँ पे, और उसके नाते आज देश की 8 टीमें यहाँ आई खेलने, और अब इसके बाद हम लोग जयपुर जाएंगे। बट आज हम लोग के आने में जो बृजमोहन भाई साहब ने और हम लोग के सुनील सोनी जी ने जो एक होस्ट किया टीम को, इसके बाद तो कांग्रेस चाहे अधिवेशन करे, चाहे कुछ भी करे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट
उनका राजनीतिक कार्यक्रम है और उनका राजनीतिक कार्यक्रम, उनके अपने अंतर विवाद, ये सब से हम लोगों को बहुत लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी वो जो भी कर रहे हैं उनका पार्टी का कार्यक्रम है, शुभकामना है, अच्छा उनका। कैश आर के वाले आते रहते हैं। हेलो सर, हाँ म्यूजिक का काम शुरू किया। अच्छा आप लोग, हम लोग इसमें बैठते हैं, आप भैया बता दो, भैया चलाएंगे, हम चलाएंगे, अभी चलाएंगे, आज वाले।